Hello everyone, this is the 8th episode of The Epic Show with a person who's a rock star, maybe koi shikha raha hoon, glasses pehen liye, kaale chashme, andar Guns N' Roses ki t-shirt, but this person, jo mere saath baitha hua hai, he's truly another brother from a different mother. Kya this is Junaid Khan, welcome to the show. Thank you so much. Mujhe nazar kuch nahi aa raha. यार देखिए नज़र जो है ना वो अंदर की आंख होती है आपकी, वो एनलाइटमेंट जो चाहिए आपको वो बढ़िया आपके पास. ये जूते कहाँ से लिए हैं आपने, जो कि जूते भी नहीं है ना सॉक्स हैं, अजीब से शॉक्स हैं. यार अब आप अपनी जूतों की एंडोर्समेंट करना चाह रहे हैं तो यार मैंने तुमसे ज़्यादा रॉक स्टार लग रहा हूँ. मेरे जूते स्टेट ऑफ माइंड. ओह एक गहरी बात, इसकी गहराई में हम क्यों ना चले जाएं. पता है मैं तो एक पूरी डेफिनेशन हूँ रॉक स्टार की. हाँ इसमें कोई शक नहीं. एक ऐसा इंसान जिसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की क्या इंजीनियरिंग की थी ना, इंजीनियरिंग की थी यूटी से, उसके बाद हर टेलीकॉम जो आई भी नहीं थी ना उसमें काम किया. बारे तीन और यूफोन तो मुझे कम से कम याद है, टेलीनॉर पीछे शायद बच गया होगा. टेलीनॉर में ही सबसे पहले थी. ये कहाँ से सफर स्टार्ट हुआ है कि इंसान रॉकस्टार बन गया एक कॉर्पोरेट सेक्टर से काम करता करता. देखें कॉर्पोरेट सेक्टर था वो तो एक पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है. बड़े होते हुए आपको सिखाया जाता है कि आपने पढ़ना है. यानी कि अगर अच्छे रॉकस्टार ने बने तो पीछे कम से कम बैंक तो है ना, मतलब समथिंग टू बैंक ऑन. हाँ एक कैलकुलेट डिसीजन तो ये होती है कि आप एक पढ़ा लिखा रॉकस्टार, एक पैशन अपनी जगह है तो म्यूजिक इज माय पैशन. बाय द वे बहुत चंद सेलिब्रिटी लकी हैं, बल्कि ये पहला जिसके दिमाग में कुछ है, वरना हम सिर्फ मैं अपने दिमाग में डालता था और कुछ भी नहीं होता, खाली होता था. अब इसको नोट डाल दी जैसे जुगनू डाले थे, इसके अंदर गर्म गर्म पानी है. तो ये सेट कैसा लगा यार, अहमद अली भट्ट को लगता है कि मजीद मसाज सेंटर है, मगर मैंने कोशिश की कि इसके अंदर गिटार ऐड कर दूं, दो डंबल्स. आपने सारे एलिमेंट डाले जो कि मेरे हैं. सर ये बड़ी डिटेलिंग है, बड़ी कस्टमाइज आपने सेट रखा. अभी करवाएंगे ना डंबल्स के साथ. जिनको नहीं पता, वैसे कैसे नहीं पता हो सकता, इफ यू गो ऑन हिज इंस्टा ऑन हिज सोशल मीडिया इज वेरी एक्टिव. वो आपने तो पूरा इंतजाम किया सर. ये मैं आपको बता नहीं सकता, एक बांदर वाला जा रहा था, उसका बांदर भी मैंने रोक लिया और ये भी रख लिया मैंने, बांदर भी मिलाऊंगा आपको मैं. अच्छा तो ये फिटनेस फ्रीक के ऊपर मैं बात कर रहा था कि यू आर वेरी फिटनेस फ्रीक और डाइट शाइट सब चीज़ें. ऐसा क्यों है? पहले नहीं था जिंदगी में. हाँ यार ऐसा इसलिए क्योंकि तो इतना मोटा वो मोटी मोटी गलों वाला मुंह नहीं होता ना है कि तेरा गला मोटी मोटी गला वाले यार. एक कबाब यहाँ एक कबाब. हाँ. नहीं वो इसलिए क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है ओवर अच्छा. टाइम एज में इंसान को एहसास होता है कि यार अब ऐसे जब पुरजे जवाब देना शुरू होते हैं हल्के फुलके, तो वो रियलाइजेशन होती है कि एकदम मुस्कुरा रहा है कि नहीं नहीं पुरजे चलते हैं हल्के फुलके. अच्छा तो जब रियलाइजेशन होती है कि यार नहीं अपने आप को बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक करना है, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं. तो फिर ये रियलाइजेशन जब हुई, ये आमद हुई, ठीक है, तो फिर सोचा कि नहीं भाई ये अपना सेहत का ख्याल रखना है. और इसलिए भी सेहत का ख्याल रखना क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी है आपको पता है. बिल्कुल, मतलब एक इंसान जिसको शौक भी है खाने का, मगर ये बड़ा एक बैलेंस है. और मेरी तरफ हर चीज़ का इशारा कर रहा है कि ज़रूरत है, ज़रूरत है, क्योंकि मेरे काफ़ी पुर्जे जो है ना वो दो तीन साल में चेंज हो चुके हैं, कुछ रिपेयर हो चुके हैं. मगर दैट्स ग्रेट यार. मैंने ये भी देखा है कि ऑन सोशल मीडिया दैट वी आर वेरी एक्टिव, यू आर नॉट जस्ट इंडोर्सिंग योर जिम एंड एवरीथिंग फिटनेस वगैरह, इन फैक्ट नाउ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग सम CSR एक्टिविटीज आल्सो, फाउंडेशन और ये सब कुछ. बिल्कुल मैं चेंज कहाँ से आई यार, चेंज वही बात है जो इंसान जब सोचता है ना कि जब इमोशनल सेटिस्फैक्शन की जब बात करता है. पहले सोचता था पहले इंसान और दौड़ में होता है ना. इंसान किस दौड़ में होता है यार, बस किसी तरह स्टेबल हो जाए, प्रोफेशनली स्टेबल हो जाए, ये चाहिए वो चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, ये होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया सबको जिंदगी. वो तो चलता रहता है. वो एक पॉइंट पे आके फिर एहसास होता है कि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दिमागी फलसफा चेंज हो गया जिंदगी का. फलसफा चेंज हो गया और दिमागी स्टेबिलिटी, क्योंकि ये अगर इंटैक्ट है तो फिर इनर कंटेंटमेंट तो फिर पैसा सब कुछ वगैरह ये सब चीज़ें हैं ये मैटर उतनी नहीं करती. वरना ये रेस ऐसी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती. मैं जहाँ आप CSR की बात की थी आपने, तो वो मैं एक इवेंट पे था, वहाँ पे मैं ये भी बात कर रहा था कि हमें लोगों ने बहुत कुछ दिया, आवाम ने बहुत कुछ दिया है, फैंस ने बहुत कुछ दिया है, हमारे फैंस हर जगह हैं जो अप्रिशिएट करते हैं. तो हम अगर उनके लिए कहीं भी अगर हाजिर हो जाएँ या उनकी अप्रिसिएशन के लिए, जैसा एक इवेंट था TCF का, वहाँ पे टीचर्स थे कराची के. अच्छा. जो के पूरे स्कूल वो एजुकेट करते हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बेस बनाते हैं. सो उनके लिए अगर मैं 15 मिनट निकाल लूँ और घंटा निकाल लूँ तो कुछ भी नहीं है. ऐसा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है ना, मतलब यू गो ओवर देयर, यू लर्न एंड यू आर वेरी थैंकफुल टू अल्लाह के यार आई एम वेरी ब्लेस्ड. मतलब देयर आर सो मेनी पीपल अनप्रिविलेज्ड और अनफॉर्चुनेटली इनकी जिंदगी बड़ी मिजरेबल, एंड यू गाइस हैव दिस एज टू चेंज देयर लाइफ इन अ वे दैट यू कैन
पीक फॉर देम. हम क्योंकि हम जगह जगह हैं तो हम मोटिवेट भी करते हैं, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, हम खुद अप्रिशिएट होते हैं उनसे. तो हम अगर अपनी उनके प्यार को हम एक जेस्चर हम ये दें कि हम खुद उनके प्यार को फेस करें, तो उनके लिए भी बहुत इनकरेजिंग बात है. वेरी नाइस यार, ये जो दो चार लोग इधर हैं ताली बजा दें, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू मेरे लिए भी, थैंक यू सो मच. ग्रीन टी अच्छी बनाई आपने, थैंक यू. अच्छा तो क्या चल रहा है आजकल, ड्रामास, फिल्म्स, म्यूजिक? यार एक ड्रामास चल रहे हैं, टेलीविजन चल रहे हैं, प्लेज हैं दो चार, एक फिल्म भी है. अच्छा वो जैसे वो किया था वो वाली फिल्म बिन रोए, बड़ा रोल था यार बिन रोए में. बिन रोए में तो देखे, बिन रोए में ना होता ना सीन, उसमें एक बंदा कैमरा के पीछे उसके बाद आया ही नहीं, कभी ना आया. देखे वो सीन ना होता ना. अच्छा वो बड़ा हैवी सीन था. हाँ वो ड्रामा में भी था और फिल्म में भी था, बड़ा हाइब्रिड किस्म का रोल था. वो देखें वो सीन अगर ना होता ना तो वो फिल्म जो है ना बीच में समझ नहीं आती हुआ क्या ये. अच्छा तो हाँ, मगर बेसिकली यू आर अ रॉक स्टार यार. आई नो जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो कॉल बना है उसके पीछे पता है कौन है, बता दे यार आज. उसके पीछे जो है वो तीन कोर मेंबर्स हैं, मैं, जुल्फी सुल्तान और खुर्रम भाई. हाँ खुर्रम भाई, खुर्रम भाई किने एक ज़माने में क्योंकि वो जुल्फी के भाई हैं और बाहर होते हैं तो उनको लोकल एक सपोर्ट चाहिए थी, तो उन्होंने एक ही बंदे में हुनर नजर आया, वो मैं था. मैं उस ज़माने में किसी एजेंसी में काम करता था, उन्होंने कहा तेरे इतना वेला टाइम होता तो ये भी कर ले. और उनकी कौन सी कोई क्वेरी आती थी कभी कभार, कभी जिंदगी में उनकी क्वेरी आती थी, एंडोर्समेंट तो इनकी भी आती नहीं थी. ये जो गन्स एंड रोज़ेज़ की शर्ट आपने पहनी हुई है, इसका ट्रू एसेंस कहाँ से है? आप अली जफर से. और बाय द वे मैं जुनेद दुनिया के में जहाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे थे वो भी गन्स रोज़ेस से, मुझे याद आया यार, वी हैव टू सी गन्स रोज़ेस कॉन्सर्ट अबाउट टू इयर्स अगो. आई थिंक वी वेंट टू दुबई, हम ब्रायन एडम्स देखने गए थे. हाँ ब्रायन एडम्स देखने गए थे, बल्कि ब्रायन एडम्स से हमें बुलाया था, हम बैक स्टेज गए, हमने कहा थोड़ा बहुत गाना गा ले, तो उसको बोर्ड पीछे, हमने कहा नहीं यार गला खराब है. फिर अब जब से पीछे लगा हुआ, आई वॉन्ट टू कम टू पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता भाई. अब शहजाद रॉय तो चांस दे दी तो हर माँ ब्रायन एडम्स मतलब हाँ ठीक है. वो चीख जिससे बच्चे माँ कहती थी मतलब ये चीख से मैं तुझे उठाऊंगी, ठीक है. वो बच्चा भी आगे कहते शायद ही जाऊँगा. अच्छा मगर आप ही ताली. हाँ खुद ही ताली यार, मैं एंजॉय कर रहा हूँ. मैंने कहा था जैसे लोगों को कि बड़ा एपिक शो होगा, उसी से मुझे याद आया कि जब जुल्फी ने गाना स्टार्ट किया तो लोगों को नहीं पता, मुझे तो पता है. तो क्या इशूज आते थे? इशूज आते थे. अब एक गाना होता था, उस गाने का नाम था लारी छूटी. अब लारी छूटी जुल्फी ने गाया और वो ना कॉल की तरह का वो एक रॉक स्टार, मगर वो गाना हिट हो चुका था, वो इंडिया की फिल्म में आ चुका था. जब वो जुल्फी आके गाता था ना तो जुनेद जो होता था वो स्टेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कहता था क्या होता है, बस इतनी लाइन होती थी. मैं तो पीछे ही होता था ना यार, बाकी गानों में पीछे होता था. वही देखें एक बैंड जो है वो एक रिलेशनशिप की तरह. हाँ जी अब वो नजर आ रहा है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप एक बंदा बाहर होता है एक बंदा कराची में ड्रामे कर रहा होता है. हाँ वो एक वो एक वो प्रोड्यूसर बन चुका है. शादी में जब होता है ना कि शादी में मियां बीवी जब एक 7-8 साल 15 साल गुजार चुके होते हैं तो फिर बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं, एक ऐसी एक वहाँ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक दुखी शादी की जिंदगी सुना. रिलेशनशिप हेल्दी है हाँ, जिसमें बच्चे भी हैं. हाँ बच्चों को भी ध्यान दे दिया गया और ना बेचारे मट्टी में खेलते रहते हैं. मगर कॉल का यार क्या बनेगा, कुछ हो रहा है, कितना एक्टिव हो कुछ बताओ यार. 15-20 साल से होगा बैंड है, कॉल प्रीटी मच एक्टिव है. अच्छा हमने आई थिंक हमें 4 साल हो चुके जब हम रियूनाइट हुए. अच्छा हमने अपने जितने भी डिफरेंसेस थे हमने उसको रखा. वो डिफरेंसेस क्या थे? वो बहुत से डिफरेंसेस थे. देखें रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस आते हैं और छोटी मोटी ईगो की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बचकाना इशूज़ होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब आप उन इशूज से बियॉन्ड निकलते हैं. सिंपल सी बात है कि यार परसेंटेज इंक्रीज कर दो भाई. अब फिर एक हाथ मार के एंजॉय कर रहा है. अच्छा मैं जब भी व्हाट्सएप से जो शौकीन है जब हाथ आगे लेता व्हाट्सएप ऐसा करते उन्होंने हाथ ही नहीं मारा पुलिस पर. मैं तो मैं तुझे वैसे बता रहा हूँ ये भी एक ऑप्शन होती है. कोई नहीं मैं वो करता हूँ कोऑपरेट. अच्छा अच्छा ये कॉल बैंड की मैं एक खासियत बताऊँ. जिस जमाने में मैं होता था कॉल वो बैंड था जिसकी वेबसाइट थी द बैंड कॉल और चेक बनता था कॉल द बैंड. अच्छा तो ये एक यूनिक बात थी
और वो मुझे उन्होंने सब सेल किया जो जुल्फी के बड़े भाई थे कौन भाई, उन्होंने कहा कि यार हमारे बैंड की खासियत तो, मैंने कहा पता नहीं क्या खासियत होगी, मतलब इंस्ट्रूमेंटल कोई डिफरेंट तरह का म्यूज़िक जॉनर ये वो, कोई ऐसी बात बताने लगे दुनिया को नहीं पता, हमारी वेबसाइट द बैड कॉल है और हमारा चेक मतलब कॉल द बैड मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और सारी ज़िंदगी मैंने इसको कन्फ्यूजन में किए, चेक गलत बनाया है और वेबसाइट गलत जाता था, जब गलत वेबसाइट पर जाता था कुछ कहीं और पहुँच जाता था, तो इसी तरह मैं खराब हुआ, कॉल की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है मुझे ख़राब करने में। बिल्कुल, आपको काफ़ी स्पॉइल किया हमने। तो इधर आना कैसे यार, मतलब भावलपुर से एक बाय रोड आ चुका है, जैसे ही उसको पता चला कि लाहौर में एक एपिक शूट हो रही है तो भागा भागा, बस इसीलिए हम हैं स्पेशली। अच्छा। ये देखें ये फाजी न्याजी अच्छा। प्यार है, ये मोहब्बत प्यार है, इसकी खातिर मैं मतलब मैं कभी कभार अभी भी इसके साथ पीछे फैशन शो में चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ चलो यार एक बंदा बोर ना हो, ठीक है। और जुनैद की खासियत है कि वो एक फैशन शो में चार डिजाइनर के लिए वॉक कर लेता है, वो चारों देख रहे होते हैं यार ये तो मेरा है, वो आपस में लड़ रहे होते हैं यार ये तो मेरा शो चल रहा है, आत्मार मेरा भी है, एक के पैसे मिले थे एक दोस्त के लिए गया था वो जो दोस्त है उसका नाम मुनीम नवाजी हो सकता है। यू मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू कराची, आप कैसे शिफ्ट हो गए? नहीं आई थिंक मैं बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल हूँ इस मामले में कि जहाँ पे मेरा काम है ठीक है, फैमिली वहाँ में सेटल हो गई, इस हिसाब से लाहौर ही होना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ लेकिन मेरी फैमिली मेरी सारी बड़े पेरेंट्स मैंने यहाँ पे हैं, लेकिन लेकिन मेरी अपनी फैमिली जो मेरे बीवी बच्चे हैं वो मेरे साथ कराची में हैं, तो इसलिए मैं फिर भी, लेकिन ये कि हाँ अपना शहर होता है। डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रामास नाउ, आई थिंक आई थिंक वन आफ्टर द अदर, तो मैं ड्रामा इंडस्ट्री सारे म्यूजिक स्टार्स को खा गई है, फरहान सईद कोहर यू वात ऑफ कोर्स है ही, एवरीवन इज डूइंग ड्रामास एंड हाउ कैन वी फॉरगेट शवार अली खान, अच्छा मतलब हंस क्यों रहा है यार इस सारी बोलते होते, वो भी एक म्यूजिशियन है, वो भी एक काफ़ी सारे ड्रामास कर काफ़ी सारे गौहर मुमताज भी है, मैंने नाम लिया उसका, हाँ तो वो तो जल था ना, वो जल गए दिल जले नहीं आई थिंक ये देखें आर्ट फॉर्म जो है वो बहुत फ्लूइड है इस मामले में, कि आप एक एक फील्ड से दूसरी फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, म्यूजिक जो है वो आपकी अपनी शायरी या आपका अपना लॉजिकल बात है, लेकिन जो एक्टिंग है पूरी दुनिया में ऐसा होता नहीं मगर हमारे यहाँ होता है, मगर चलो कोई बात नहीं, नहीं, नहीं होता ना, कोई भी लॉजिक बना दी, जस्ट होता है लेडी गागा ने फिल्म नहीं की क्या, वो लेडी भी और गागा भी है ना, तो आप भी तो ये क्या लॉजिक है यार, ये देखो ना एक तो लेडी है गागा, सही मुझे नहीं पता था वैसे इस बारे में, मगर एक रॉक स्टार ने लेडी गागा को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल है, किसी के नीचे कमेंट कर दिया म्यूजिक में आज मेरी बर्थडे है प्लीज विश कर दे तेरी बात कर लेडी गागा के नीचे जाके कमेंट कर दिया अच्छा नहीं नहीं, नहीं। एक लाइक तो बनता है मुझे बताओ कि यार एक सीरियस सवाल है, हाउ कैन यू मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेस टू लिव एंड योर आंसर इन अबाउट 45 सेकंड्स। देखें पॉजिटिव सोचें, अब ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप पॉइंट करते हैं हाईलाइट करते हैं कि यार ये गलत चीज़ है इसको हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है, बट आई थिंक बहुत नेगेटिविटी जहाँ पे हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, कभी कभार हम क्रॉस कर जाते हैं उस बाउंड्री को और हम बहुत ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसके एक इमेज पे जज कर रहे होते हैं, प्रॉब्ली हम उसकी बैक स्टोरी भी देख नहीं रहे होते कि बंदा क्यों है ऐसा, हम वो एक अच्छी चीज़ भी लगाएगा ना क्योंकि इसका इमेज हल्का सा ख़राब है तो हम उसको बुरा ही से बुरा कर देंगे, सो ये बड़ी अच्छी बात बोली यार, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा करें, नेगेटिविटी का किल करें और डोंट बी जजमेंटल, ठीक है, हु आर यू टू जज, यू नो वो वाली बात, सोशल मीडिया जो है जब आप एक पिक्चर डालते हैं तो ऑफ कोर्स यू गिव पीपल दैट परमिशन टू जज यू, डू दैट बिकॉज़ यू आर पब्लिक फिगर, हां सो सो ऑफ कोर्स यू कांट ब्लेम देम, बट स्टिल ऑडियंस को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फिर भी थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखें, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचें, बिकॉज इतनी जो है वो बढ़ चुके हैं नेगेटिविटी माशरे में कि एंड यू आर सॉल्विंग अबाउट 5 लाख 5 लाख क्योंकि मेरी तो 4,000 है ना, मुझे बड़े यार कमेंट्स आते हैं, मैं बड़ा सारे हेट आते हैं यार, 4,000 तू इमेजिन करते रहे तो 5-6 लाख है, मेरी 4,000 है तो बड़ा मसला पड़ जाता है यार मेरे लिए, मैं एक एक बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता, एक दफा वीडियो बना देना, मैं कहता हूँ एक ही दफा मैंने इसको बंद ही कर देना अकाउंट को अच्छा तो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज रैपिड फायर, सो एपिक मोमेंट इन लाइफ, एपिक मोमेंट आई थिंक अभी द बर्थ ऑफ माय सेकंड चाइल्ड, आई थिंक वो मैं कहूंगा रीसेंट क्वाइट कह सकते हैं, एपिक गेम क्रिकेट ना बोली, मैंने तेरी बॉलिंग देखी है 8 थप्पों वाली बॉल कराता है, बकवास कर अच्छा चलो नहीं नहीं यार एपिक गेम लूडो मैं खेलता हूँ, नाइल के साथ लूडो खेलता हूँ कई बार जब फ्री टाइम में, तो नहीं आजकल तो सारी बड़ी बात है यार कि आजकल के दौर में भी लूडो शूडो खेलते हैं क्योंकि सारे तो फोन पे लगे होते हैं, पबजी शबजी पता नहीं क्या सीन है, एपिक सेलिब्रिटी इन योर ओपिनियन, एपिक सेलिब्रिटी मैं सबको मना करता हूँ कि मेरा नाम ही लेना नहीं, तुम्हारे अलावा आई थिंक सेलिब्रिटी वुड बी टॉम क्रूज,
तो एपिक फिल्म अंदाज अपना अपना। हाँ यार ये तो बात सच है। तो एपिक डिजाइनर जो इधर यहाँ पे वो नहीं पेंसिल रख के नाप ले रहे होते उसकी बात है। मास्टर ज़ारा जो है ना वो मैं मास्टर ज़ारा एपिक सॉन्ग और सिंग अ फ्यू लाइंस तो से तो गवाएंगे। तू से ले आ देना ली साफ करना ये वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स दैट आई सॉन्ग सैंग। अच्छा वेल आई जस्ट हर्ड न्यूज़ टुडे इट सीम्स माय लाइफ इज गोना चेंज I close my eyes, begin to pray. The tears of joy stream down my face with arms wide open. Under the sunlight, welcome to this place. I've shown you everything. Basically, just with arms wide open. Now everything has changed. I've shown you love. I've shown you everything with arms wide open. पता है मैंने ग्लासेस क्यों लगाई हैं? क्योंकि उन्होंने सनशाइन की बात की थी। उफ। मैंने कहा यार धूप आ गई है। अच्छा तो बहुत आला यार। अच्छा फ्री में आपने कहाँ सुन लिया है? By the way जो कॉन्सर्ट्स होते थे कॉल के जमाने में और मैं शुरू शुरू के वक्त है तो कॉन्सर्ट के दौरान जुनैद एक खास तरीके से इंटरेक्ट करता था विद ऑडियंस। तो जुनैद ने से पूछा कि किस किस को नींद आ रही है और फिर जुनैद किसी ने रिस्पॉन्ड किया जुनैद ने कहा किस किस ने बिरयानी खानी है किस किस ने खाना खाना है। बड़ा एक मज़ेदार तरीका होता था यू इंटरेक्टिव। मिस डू यू मिस दोस डेज? वो अभी खत्म तो नहीं हुए थे बिकॉज लॉट मोर टू कम। कम ऑन यार कॉल का लास्ट ऐसा कॉन्सर्ट मतलब 5 साल में तो मेरे नहीं लगता हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैवी किस्म का इस किस्म का। नहीं हमने अभी लास्ट ईयर बड़े अच्छे शोज किए। अच्छा फिर हमने मुल्क से बाहर भी शोज किए। नहीं वो तो ये है कि हर शो जो है वो कॉल की क्या एज है 15 इयर्स आई थिंक मोर देन 15 हो गए 17 बट हम इसलिए इंजॉय करते हैं क्राउड एक और है हम जो है वो हम आपस की जो केमिस्ट्री है ना हमारी जो उसको हम इंजॉय करते हैं यानी कि मैं जुल्फी सुल्तान हम सारे बैंड में जब स्टेज पे बजाते हैं तो एक पॉइंट आता है जब ऑडियंस को हम भूल जाते हैं और उस वक्त वो एंजॉय कर रही है नहीं कर रही वो हमारा ध्यान हट जाता है उस वक्त हम खुद एंजॉय कर रहे हैं। वो तो मुझे पता है स्टेज के ऊपर एक खास किस्म की एनर्जी हो रही होती है। नहीं हमने अभी याद है मुझे हम ओस्लो में शो किया था हमने तो उस शो पे बड़ा डाइवर्स क्राउड था सारे गोरे भी थे पाकिस्तानी भी थे और हम अभी भी याद करते हैं कि हम जब एंड पे फिनाले था एक दिन का 3 दिन का इवेंट होता एक फिनाले था उस पर हमने हमारी रिहर्सल उस लाइट वालों के साथ नहीं हुई थी। हमें शो एंड किया तो हमें लाइट वाले वो गोरी टीम थी वो हमारे पास आए ठीक है और हमसे उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि यार क्रेजी फैंस हमें कहा हमें इतना मज़ा आया हमें शो को लाइट करने में बिकॉज हमने पूरे जितने भी 3 दिन शो परफॉर्म किया था हमें इस टाइप के म्यूजिक नहीं मिला। हमने जब वीडियोस भी देखी उसकी शो की तो वो वाकई जो लाइट से जो एटमोसफियर क्रिएट किया हुआ था लाइट वालों ने वो वाकई एक्सपीरियंस जो था वो हमें फील हुआ। तो अब आप जुगत मार लें। नहीं नहीं मैं जुगत नहीं मारूंगा ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो दुनिया में इवेंट मैनेजर्स हैं पाकिस्तान में भी कुछ हैं हाँ तो वो एक पूरा शो डिज़ाइन करते हैं साउंड लाइट स्टेज के साथ और एक वो एक ऑडियो विजुअल पूरा ट्रीटमेंट होती है। पाकिस्तान में भी कोई करता होगा इस किस्म की इवेंट मैनेजमेंट एक कंपनी एक का नाम ले दे पता नहीं हमें लास्ट में याद है हमने करना था फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो देखें वो ब्रांड ऐसा जो है ना वो अच्छा कौन एंड कर दिया उन्होंने उन्होंने कहा वो ब्रांड नहीं पता नहीं अच्छा कैसे होते हैं इवेंट मैनेजर। अच्छा सो एपिक सिंगर एंड अ बैंड इन योर ओपिनियन। एपिक सिंगर यार एपिक सिंगर तो जो है वो बाबा ब्रायन को मैं बड़ा एपिक मानता हूँ ठीक है एंड बैंड रेंज एपिक बैंड मेटालिका। हाँ यार बहुत अभी देख लें तो बड़ा मेटल उनके क्रेजी शोज हैं और क्रेजी परफॉर्मेंस है अभी तक उतने ही वो लाइव नहीं है। अगला क्या सवाल था बोलते नहीं गए लोकल सिंगर कौन था लोकल सिंगर आतिफ असलम आतिफ वाकिया आतिफ है ना आतिफ वाकिया बोलना चाहिए आतिफ नो डाउट आतिफ इज अ ब्रिलियंट सिंगर बदर। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है रैंडम सेक्शन और बहुत बहुत मुबारक हो अब तक जितने सेलिब्रिटीज आए हैं वो इसमें क्वालिफाई किए हैं। अच्छा तो ऑटोमेटिकली कर देते हैं तो आपको मुबारकबाद हो। सो अगर इन तीनों चीज़ों में यू हैव टू प्रायोरिटाइज इन योर प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर इल्म इश्क और अकल
देखें, अकल सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, और फिर इल्म है, फिर इश्क है। यार कराची के जितने लोग हैं ना, उन्होंने इश्क को नीचे रखते हैं, और पंजाब के जितने लोग आते हैं वो इश्क को ऊपर रखते हैं। शायद क्योंकि पंजाब के जितने भी लोग आए हैं, बुल्ले शाह वगैरह, और इश्क की बात की है, कराची से इश्क, इश्क एक तरह से पहले हो भी सकता है। नवीन आई, रबाब आई, उसने अकल को ऊपर ही रखा है। मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं, क्योंकि इश्क, अगर इश्क, इश्क किसी एक नॉलेज पे भी हो सकता है। एक पैशन की बात करें ना, इश्क का मतलब पैशन है, इश्क ऑन द ब्रॉडर लेवल पैशन है ना। हाँ। तो पैशन, तो अगर आप, अगर आप में पैशन है तो आप तालीम भी हासिल कर सकते हैं। और मैं वैसे बात कर रहा था कि हर पैशन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। सो योर फाइनल इज के इल्म को पर और इश्क को एंड में और बीच में अकल। मेरे ख्याल नहीं, आप इस सेंस में अगर आप बात करते हैं तो आप फिर आप इश्क ऊपर रखेंगे। मैं ये बताना प्रूफ करना चाहता था कि मैं कितना कन्विंसिंग आदमी हूँ। मैंने उस बंदे का दो मिनट के अंदर पूरा प्रेफरेंस चेंज कर दिया। हाँ नहीं, अच्छा। मैं आई कैन एग्री, बड़ा फ्लेक्सिबल, पहले ही समझता है कि मैं बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी है। सो अगला मेरा सवाल है कि जिंदगी क्या है, और जिंदगी का क्या मकसद है, और की क्या जस्तुजो है। बड़ा ब्रॉड, तो एक और सवाल, एक और शो होना चाहिए इस टॉपिक पे। आठ दिन मैंने इस सवाल के ऊपर काम किया है। हाँ जी भाई, जिंदगी जो है वो एक जर्नी है। अच्छा। और इस जर्नी में एक्सपीरियंसेस हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं। आपने उसको एक मकसद क्या है, मकसद देखिए, ये ऐसा सवाल है जो कि सदियों से पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब इंसान ढूंढ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जिंदगी का मकसद क्या है, लेकिन जिंदगी, इंसान जो है वो इंसान इस दुनिया में आए, बैलेंस होना चाहिए ना जिंदगी का। इस दुनिया में इंसान आए, अपना एक पार्ट प्ले करे, टू बी रिमेम्बर्ड एज अ गुड मैन पर्सन। रिमेम्बर, देखिए वो एक और चीज़ है कि आपके बाद क्या है, आपने जिंदगी में क्या किया, आपने एक ब्रॉडर मकसद होना चाहिए ना। हाँ, अपने लिए क्या किया, अपने आस पास वालों के लिए क्या किया, कितने लोगों को, कितने लोगों को खुशी दी, कितने कम लोगों की टेंशन का बायस बने। अच्छा। क्योंकि हर इंसान की खुशी और जुस्तुजू क्या है, जुस्तुजू तो इट्स अ जर्नी। वही बता रहे, ये जर्नी जो है, जब तक आप उस जर्नी में हैं, नेवर एंडिंग, इट शुड बी नेवर एंडिंग। गोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, ये वैसे मुझे पता है इसका जवाब, क्योंकि मैं दोस्त हूँ। ये आप बताएं ऐसा। नहीं, मैं तो दो दूंगा, मैं और भी तो दोस्त है ना, मैं सुनना चाहता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू थिंक। मैं हूँ वैसे तो एक खामोश तबीयत आदमी हूँ। ये बात है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा कुन है। हाँ, लेकिन कोशिश होती है कि इस चीज़ को किसी तरह कम किया जाए, खुश रहा जाए। व्हाट अननोयज यू द मोस्ट एंड हाउ डू यू डील विद इट। आई थिंक नॉइज, प्रिटेंशियस बिहेवियर जो है वो मुझे थोड़ा अनॉय करता है, जब इंसान जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता है। बट एक ये भी सोच आती है कि हाँ, अगर ये कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह है, इसकी भी कोई हिस्ट्री है, इसकी भी बिहेवियर है। तो मैं इसलिए वो इतना जजमेंटल नहीं हूँ। थोड़ा बहुत इंसान होता ही जजमेंटल, लेकिन कोशिश करता हूँ कि नहीं। दरवेश आदमी, मैंने नोट किया, अंदर से फॉरगिविंग, सब माफ़ कर दो, सब माफ़ कर दो, वो वाली ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी क्या बात थी आपकी, इसलिए तू मेटालिका का फैन भी है क्योंकि उन्होंने गाया था अनफॉरगिवन। यस ब्रो, यस अनफॉरगिवन 2 गाया था। अगली मेरी बात थी कि व्हाट्स वन प्लेस वेयर यू यूज द फोन द मोस्ट एंड वेयर द लीस्ट। फोन, अभी मैं इतना फोन यूज किया गाड़ी में, सफर में था कुछ 6 घंटे में। अच्छी बात नहीं यार। और मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने 3 फिल्में देखी है मैंने नेटफ्लिक्स में। 3 फिल्में, ठीक है। वो कौन सी 3 फिल्में थी अगर बताने वाली यार। एक 6 अंडरग्राउंड देखी मैंने, ठीक है, और 6 ओवरगर्ड, और क्या देखी, एक मैंने कबीर सिंह देखी। कबीर सिंह भी रोक लेना चाहिए, जो इंसान भावलपुर से कबीर सिंह देखता आ रहा हो तो उस बंदे के बारे में क्या। किसी ने बड़ी तारीफ की थी, तो मैंने कहा देखूं ये क्या है। उस बंदे को रहता मैं फोन करी, उसको वो बोली जो इस शो पे नहीं बोल सकता। तो हु आर द सेलिब्रिटीज यू फॉलो एंड व्हाई डू यू फॉलो देयर फ्रेंड्स के लिए, और या फिर यू जस्ट फॉलो देम, जो कि मैंने भी रिसेंटली किया, यू जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग कपल ऑफ पीपल। मैं भी वेट कर रहा था, बट एनीवेज। अच्छा, तुम चाह रहे थे कि मैं पहले करता हूं, बाद में शुरू करो। नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा था कि चलो जो लिस्ट फॉलो हो रही है, मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूं। नहीं, लिस्ट मेरी देखियो कि बहुत जेनेरिक सी लिस्ट है जी। उसमें कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ एक्टर्स हैं, और अजीब सी लिस्ट है, कॉम्प्लिकेटेड। तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। म्यूजिक पे मैं 2-3, एक तो ब्रांड एरन को फॉलो करता हूँ, बिकॉज इसका म्यूजिक मुझे पसंद है, उसकी आवाज़ पसंद है। मैंने कहा बोलेगा क्योंकि वो भी मुझे फॉलो करता है। मेटालिका नहीं, मैं कोई नहीं, मैं वो वाला सीन नहीं हो गया, मैं फॉलो करूँ वो जो फॉलो बैक करें। हाँ, फॉलो बैक करें, अभी प्लीज़ फॉलो भाई, अभी फॉलो बैक करें, DM करें। हाँ, नहीं बिल्कुल चक्कर नहीं है। और उसमें मेटालिका है, उसमें बट यू डोंट फॉलो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल एफआईएस यू, डू यू फॉलो अली ज़फर? यस नो, यस नो, नहीं, आई डोंट थिंक सो। माहिर खान,
नहीं, आई थिंक मेरा जिनके साथ मैंने काम किया है, जैसा मेरा इंटरेक्शन यार, लोगों ने वो ड्रामा देखा था और फिल्म देखी थी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, लेकिन उस वक्त इंस्टाग्राम था नहीं। नहीं नहीं था यार, क्या हो गया? नहीं था उस इंस्टाग्राम। क्या तू क्या इब्ने बतूता के जमाने से काम करता है? 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा चल आगे चलते हैं। सो हु वाज द मोस्ट फन टू वर्क विद इफ यू हैड एनी कोलैबोरेशन, एनी डिजाइनर, एनी सिंगर, कुड बी एनी पर्सन? यार मुझे जो एक कोलैबोरेशन थी जो कि मुझे याद है, मुझे म्यूजिकली मैं जब ग्रो कर रहा था तो मैंने जुनून को बड़ा फॉलो किया लोकली, ठीक है। तो मुझे एज अ म्यूजिशियन जब मैं ग्रो कर रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि बेस जो है अच्छा वो कितनी इम्पोर्टेंट है एक गाने में, जो कि होती बैक पे है बट वो कितना इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट प्ले करी होती है गाने कॉम्पोजिशन। कह दो मेरा गाना था, मेरा माई सोल ट्रैक, वन ऑफ माई सोल ट्रैक्स, और उसमें मैंने ब्रायन से रिक्वेस्ट की एंड ही वाज काइंड इनफ टू कोलैबोरेट इन दैट सॉन्ग, और वो एक कोलैबोरेशन है जो कि मुझे बड़े अभी तक याद है कि हाँ यार ये। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड स्नीक पीक। किसी ने मेरा रैपिड फायर के दौरान एक चोरी कर दी थी चीज़। अच्छा हाँ, एक चोर आया था, उसने ना कहने को रॉक स्टार है, ड्रामा स्टार है, मगर आईपैड नहीं चुराना चाहिए था यार। बुरी बात है, शाबाश वापस दे दे। पकड़ा गया। उधर देख। ये तो पड़ा हुआ है, ये देख। अरे यार क्या बात है, मैजिक बटन यार। देखा, दोनों नियाजी जो हैं म्यूजिशियंस भी हैं। आंखों पे मेकअप करा लिया क्या? सो जुनैद इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पर भी है, फेसबुक ऑफिशियल भी है, फिर इंस्टाग्राम पे भी है, और भी कहीं हो, ट्विटर पे हो। तो कंप्लीट 100% कोई डाउट ना रहे, कोई शक ना रहे। तो हम कुछ पिक्चर्स उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। ये पहली आपकी पिक्चर है जी, खूबसूरत, कुछ बताएं इसके बारे में। यार ये एक कहाँ की है? अगला प्रोजेक्ट है। अच्छा। और दानिश नवाज एक शेरवानी पहनी हुई है, और हाँ इसमें एक लड़का है वो उसका कैरेक्टर। तो खुद ही पढ़ लें कि उसके ऊपर क्या कमेंट है और किसका है। यू अच्छा जी, मीना अंडरस्कोर नासिर 25 ने कहा है कि यू लुक लाइक एनरिके इग्लेसियस। ओए होए होए यार, आपकी नजर वीक है। नहीं थैंक यू, नहीं ओ यार एक्सक्यूज मी, जब मैं एक जमाने में जब मैं थोड़ा और श्रिंक था। अच्छा। तो मुझे लोग कहते थे कि यार आप थोड़ा थोड़ा मिलते हैं। अच्छा, कहते थे थोड़ा कहते थे। सो ये आई थिंक इन्होंने यहाँ से, ये वो लोग होते हैं बिल्कुल सके नहीं होते। अच्छा अगली पिक्चर पे जाते हैं जी। ये अच्छा, ये जी मेरी पिक्चर है जहाँ पे डब्बियाँ नजर आ रही हैं। टाइगर श्रॉफ, खाली टाइगर श्रॉफ। हाँ जी, और यहाँ लाइक्ड बाय मुनीम नवाज एंड 12,000 मोर पीपल। मुनीम नवाज की मैंने बास्केट पहनी है ना। कॉल जुनैद खान से, स्काई अबव मी, अर्थ बिलो मी, फायर विद इन मी। एक गहरी बात जी। और इसके ऊपर एक बंदे ने आपके लिए कमेंट किया। अच्छा, शारिक 3082 ने कहा यू नीड टू वर्क ऑन चेस्ट मसल्स। आई थिंक मैंने, मुझे याद है कमेंट, और मैंने इसको वाकई कहा था कि ब्रो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये पिक्चर है जी। अच्छा, ये गायम हो रहा है, तंदुरुस्त जिम हो रहा है, तंदुरुस्त बंदा है कोई है। हाँ जी, और ये हमारा हाथ में इस वक्त बड़ा सेहत बनाई जा रही है। जी जी बिल्कुल, ब्लू बैंड। यस यस। तो इसके ऊपर जी एक कमेंट आया। हाँ जी, महमूद मोमना ने कहा इतना वर्कआउट कैसे कर लेते हो आप, हमसे तो नहीं होगा डेली करना, हार्ट हार्ट हार्ट। अपने रोने लेके आ गए हो क्यों नहीं हो सकता यार, बिल्कुल हाँ, हो सकता है। ये एक गौर फिक्र यार, जो लाइक हुआ मैंने इस पे, यार सिबल चौधरी ने लाइक की है, मैं बोल देता हूँ ठीक है। सिबल कहाँ हो तुम, वापस आ जाओ। और अगले ने लिखा हुआ जो कि जुनैद ने लिखा हुआ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है यार उसे? कुछ भी आ सकता है। मेरा जो ख्याल आता है ना वो तो मुझे पता है। तेरा दिल में क्या ख्याल आता है क्या, या कभी कभी आता है? तेरा जो जियोग्राफिकली जो है ना वो ख्याल चेंज हो जाता है जितना मैं जाता हूँ। हाँ। पाकू में गया तो अजीब सा ख्याल आ गया, तो फर्क हर जगह फर्क ख्याल आता है। उस वक्त पता नहीं क्या था। चले खैर, इसके ऊपर जी कमेंट किया आपको। अच्छा, मारिया अंडरस्कोर नवाज वन ने कहा कि आपने बैंड को खत्म कर दिया। हाँ नहीं नहीं, देखा लोगों को ये फील आती है। नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक और पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा जी, ये ये भी है जी, मुनीम नवाज का शूट है जी, और फाजी जस्ट फॉर मेन वाली दाढ़ी रखी है। फाजी नियाजी ने लाइक कर दिया सर, बस बड़ी जस्ट फॉर मेन वाली दाढ़ी रखी आ गया है ना, जस्ट फॉर मेन। ठीक है जी, आगे क्या कमेंट है इसमें? मुझे लग रहा है तू कहने लगा अदूबे। ये वो नहीं होता, ये पावर जमा नहीं कर रहा। इसके ऊपर कमेंट लिए Being SM Taurus ने कहा है कि no one could pull off bad guy, tough guy look as perfect as Junaid.
वैसे आवाज अच्छी है, अच्छा कमेंट है, थैंक यू। मेरा ख्याल में इसको आपने अच्छा वाला पकड़ा बीच में। हाँ, सो तो ये किसके साथ डांस करे यार? यार ये मेरी हीरोइन है मंशा। अच्छा, और मंशा कैसा रहा ट्रिप झील सैफल मुल्क? पहली दफा गया जिंदगी में? बिल्कुल पहली दफा गया मैं। और कमाल नहीं है पाकिस्तान? अच्छा मौसम, टूरिज्म पे ऑलमोस्ट नंबर वन पे आ गया इस दफा। बिल्कुल आ गया, लेकिन हाँ। सड़कें अच्छी हो जाए तो नंबर प्लस टू पे चला जाएगा। इस पे मुनीम नवाज के कमेंट पढ़ लें। चिकन, चिकन कढ़ाई, चिकन जलफ्रेजी। तो सो थैंक यू सो मच। सो यार आजकल की जो टर्म्स हैं वो बड़ी अजीब सी हो चुकी हैं। योलो, बीटीबी, पता है टर्म्स का? बीटीबी क्या होता है? योलो का तो पता है। योलो का पता है? योलो क्या होती है? यू ओनली लिव वंस। अरे बाप को भी बताती। तो ये तो इसी तरह बीटीबी है, इसको बेड टाइम ब्राउजिंग। ओके, सो अगला सवाल ये है कि डू यू डू बेड टाइम ब्राउजिंग? हाँ, ब्राउजिंग तो किसी भी टाइम पे हो सकती है, बेड टाइम पे भी हो सकती है। नहीं मतलब व्हेन यू डू तो क्या देखते हो रात को? एनीथिंग, सारी चीजें चेक कर ली, फेसबुक चेक कर लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, स्टॉक कर लिया, रैंडम स्टफ, जुल्फी को देख लिया। अच्छा मेरे बगैर लगा हुआ है? नहीं नहीं, तुझे अल्लाह ही पूछेगा। नहीं नहीं, ठीक है, फॉलो हिज वर्क। जितनी कोशिश कर लेना, नहीं लड़ा सकता। नहीं नहीं, मैं लड़वाना भी नहीं चाहता मेरे शो का। यार देखो मैं खुद भी कॉल का एक फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की म्यूज़िक जॉनरा का और वाकई उसको वाकई में फॉलो करता हूँ। ज़ुल्फी इज़ वन टैलेंटेड पर्सन, क्योंकि वो उसका जो काम है वो इतना डीप है म्यूज़िकली दैट ये पूरी इंडस्ट्री अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि आप क्रिएटिविटी को नहीं रोक सकते। इस कंट्रीब्यूशन जो नेस्कैफे ने स्टार्ट किया, लोगों को शुरू में समझ नहीं आया। एनीथिंग दैट टचेस, पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग यार नाउ टू बिग प्रोजेक्ट्स, एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक इज ग्रेट। ज़ुल्फी यू शुड बी कमिंग टू माय शो। बल्कि दैट रिमाइंड्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि हम हर बंदे को जो बुलाते हैं, और बाय द वे रबाब नॉमिनेटेड यू के जुनैद शुड कम। और मैंने कहा जुनैद तो इंशाल्लाह, ओ द नॉमिनेशंस, वाओ। या मतलब हम करते हैं, तो यू शुड ऑल्सो नॉमिनेट वन पर्सन, वन फीमेल वन मेल, एक लड़का लड़की, उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ, सब टाइटल्स भी चला दिए हमने। नॉमिनेट कोई करें जो नेक्स्ट शो में आना चाहिए। नहीं आप, मैं तो चाहता हूँ बल्कि आप ज़ुल्फी को बुलाएं, सुल्तान को बुलाएं, दोनों को बुलाएं, क्योंकि दोनों की जो नॉलेज है। मेरा ये सुल्तान भी जीत गया। आप हर चीज़ रेटिंग पे ना जाए ना, आप कोई अच्छी चीज़ भी लगाएं अपने शो पे। नहीं नहीं, अच्छे लोग, हमने एक शो मुनीम नवाज की सी, हमें क्या रेटिंग मिली है वहाँ से? दो कपड़े मिलने हैं, दुआएं मिलनी हैं। गरीब मुनीब को बाहर से मरी जैसे चाय लेके आए गए। ये कोई ऐसा वाकया यार जो अनफॉरगेटेबल मेमोरी हो, कोई एपिक मेमोरी जो कमाल हो? मुझे अभी भी याद है जब आई हेल्ड नायल इन माय हैंड्स फर्स्ट टाइम, और मुझे इसलिए याद है ये बात क्योंकि मैं अभी किसी को बता रहा नायल उसके बेटे का नाम है बाय द वे, माय फर्स्ट बेटे का। तो मुझे याद है कि मैं जितना मैं स्टिफ और बनने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं मेल्ट हो गए और रॉक हार्ड बनने की कोशिश करता हूँ, तो ये होता है। तो वो दिन का टाइम था, मुझे याद है, उस लकीली मेरे पास चश्मा था, डार्क ग्लासेस थी मेरे पास, शुक्र है वो टाइम था जब मुझे दिया गया, तो मैं उस वक्त चश्मा लगा लिया, क्योंकि जो इमोशन जो है ना उस वक्त मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। शायद हर लड़के जो हर पेरेंट के साथ ये होता होगा। मेरी जो पहली बेटी खदीजा, मैं भी बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। और खैर बाप और बेटी का एक अपना बॉन्ड होता है, बाप और बेटे का भी होता है, और बड़ा मज़ेदार रिलेशनशिप है। अल्लाह ताला ने सारे बड़े मज़ेदार रिलेशनशिप रखे हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत दे। सो ग्रेट यार, ये तो अच्छी बात बोल दी। सो बिफोर वी एंड अप, सो फ्रेंड्स आई होप डिड यू हैड फन? ओह मैं तो चाहता हूँ ख़त्म ही ना हो शो यार, मैं तो मतलब आज थोड़ा थका हुआ लगा यार, होता है ना जैसे टायर्ड साइंटिस्ट। अच्छा क्या होता है? नहीं नहीं यार, मैं तो फ्रेंड्स आई होप यू हैड फन। हमने कोशिश की एक डिफरेंट किस्म की एपिसोड की, अगर आपको नहीं इन्जॉय किया तो ना देखना यार, और अगर देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, हम दुआएं देंगे। दो नियाजी कभी भी आपको एक एपिसोड में दोबारा नहीं मिलेंगे। और इफ़ यू लाइक इट सो हाँ देखिए प्लीज़, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो प्लीज़ को आप कॉमेंट करें इस पर, और गंदे गंदे कॉमेंट भी करने तो कर दें, क्योंकि जितनी इंगेजमेंट मिलेगी उतना अच्छा है ना। चलो यार अब जुनैद कहता है तो सही बात है। हम अरे दिया जैसे फहद मुस्वानी होस्ट करते फहद मुस्वानी, फहद भाई मैं एक कूलर की बजाय ले सकता हूँ? अरे दिया तो इसी तरह दिया यार जिंदगी में। सो थैंक यू आर टीम एपिक प्रोडक्शंस और आयमा जो मेरा मेकअप करती हैं। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन प्रमोटिंग, शेयरिंग, लाइकिंग, एवरीथिंग जो आपको पता है, और वी आर एपिक ग्रोइंग फैमिली। सो जाते जाते एक अदद हमने आपके लिए कुछ चीज़ बनवाई है जो हमने कभी भी फील नहीं, सबको हमने बास्केट दी है। अच्छा। मगर तुझे हमने बास्केट नहीं दी, बास्केट देंगे आप, क्योंकि हम तुझे देंगे बास्केट ऑफ चिप्स।
ठीक है, और उसके अलावा एक अदद ऐसा कोट, वाओ ये देखें जी, स्ट्रेंजर इन मॉस्को, ये वो कोट है जिसके बाद तू कोलंबस भी बन सकता है, ठीक है, और शोए खान तो हमने तेरे लिए कोट बनाया है, इससे तेरी सारी सर्दियां गुजर जाएंगी, इसके बाद तू जासूसी का रोल भी कर सकता है। क्यों डिज़ाइनर जो है आपने जो मुझे ये गिफ्ट किया एपिक शो के तवस्सुक से आपने मुझे ये शो ये गिफ्ट किया, सो थैंक यू। तो यार ये वीडियो आप देखें और इसको आप करें लाइक ताकि शो इतना उठे जैसे हम ये डम्बल उठा रहे हैं, और सब्सक्राइब करें, टी शर्ट फट जाएगी इस वर्कआउट के बाद। ओह मैन, बेल बेल यार, बेल आइकॉन अगर आपने नहीं दबाया ना तो फिर आप बस आप नहीं डिजर्व करते, है ना। देख तू तो करता है, मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया हुआ, जल्दी बोल दे ये। सो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें जितना कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करें, गंदे कमेंट करें, जो मर्जी करें, ये पूरा वो वाला शो है ही नहीं जहाँ पे आप कोई लिहाज करें, आप बकवास करें जितनी करनी है आपने, और बस बेहतरीन। तो दोस्तों कीप ऑन वॉचिंग द शो एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पैसे खर्चे रहने।